अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेलियां रेलवे स्टेशन पर और ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान ये हवेलियां का एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है कि जिस पर हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। तो इस सफर को शुरू करने से पहले ये बेसिकली मेरा सफर कहाँ से शुरू हुआ था ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली इस हजार एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए मैंने और सुफियान भाई ने एक दिन पहले लाहौर से अपने सफर का आगाज किया था, जिसमें लाहौर से चलने के बाद हम लोगों ने चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग की थी और फिर चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद हम लोग सीधा पहुंचे थे एबटाबाद, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया था और फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे साजीकोट वाटरफॉल के लिए। और फिर साजीकोट वाटरफॉल में थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद हम लोग वहाँ से जल्द ही निकल गए हवेलियां रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ से अपने नए सफर का आगाज करना था जो कि होने वाला था 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस में। तो इस जर्नी के बाकी पार्ट्स का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हवेलियां रेलवे स्टेशन के कंप्लीट ब्लॉग का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस PHA 28318 के साथ हवेलियां रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं इस रूट पर पहली बार सफर कर रहा हूं, यानी कि हवेलियां से लेकर रावलपिंडी तक ये मेरा पहला जर्नी है। और आप लोग जानते हैं कि जिस रूट पर भी मेरा पहला जर्नी होता है उस रूट को मैं डिटेल में एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों के सामने उस जर्नी की एक डिटेल वीडियो भी आती है। तो वैसे तो मैंने ये सफर हवेलियां से लेकर पन्नौगल तक दरमियान किया था, लेकिन इस जर्नी के पार्ट वन को हम लोग हवेलियां रेलवे स्टेशन से लेकर सिर्फ रावलपिंडी तक ही रखेंगे, ताकि आप लोग हवेलियां और टेक्सला के दरमियान आने वाले स्टेशन को सही से देख सकें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हवेलियां और टेक्सला के दरमियान आने वाले स्टेशंस की। दोस्तों हवेलियां से लेकर टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन तक इस रेलवे लाइन पर टोटल 7 रेलवे स्टेशंस आते हैं, कि जिनमें हवेलियां से निकलने के बाद पहला रेलवे स्टेशन आता है बालढेर, उसके बाद सिराय सोले, उसके बाद हरिपुर हजारा, फिर कोट नजीबुल्ला, खत्तर, मोरा शाहवाली, उस्मान खत्तर और फिर ट्रेन पहुंचती है टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन पर। जबकि इन 7 रेलवे स्टेशन में से 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस का सिर्फ 2 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप है, जिसमें इस ट्रेन का पहला स्टॉप है हरिपुर हजारा और दूसरा है कोट नजीबुल्ला पर। तो ये रहा मेरा कोच नंबर 13, जो कि इंजन से तीसरे नंबर पर है और है CFI। तो दोस्तों इस वक्त पूरे 2 बज रहे हैं और 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस PHA 28318 के साथ बिल्कुल अपने राइट टाइम पर निकल रही है हवेलियां रेलवे स्टेशन से। चलिए भाई अल्लाफिज अल्लाफिज अल्लाफिज। ओके भाई अल्लाह हाफिज। तो ट्रेन पूरे 2 बजे निकल चुकी है हवेलियां रेलवे स्टेशन से।
तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आप लोग जानते ही हैं कि हवेलियां रेलवे स्टेशन एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है और ये हवेलियां शहर सतह समंदर से काफी बुलंदी पर है, जबकि टैक्सिला हवेलियां की बनिस्बत सतह समंदर से थोड़ी कम ऊंचाई पर है। यानी कि हवेलियां रेलवे स्टेशन से निकलने के फौरन बाद ही ट्रेन ढलान में चलना शुरू हो जाती है और ये चीज आप लोग इस वीडियो में बार बार महसूस भी कर सकते हैं कि कैसे ट्रेन ड्राइवर्स अपनी महारत के साथ हर थोड़ी देर बाद ब्रेक अप्लाई कर ट्रेन को अपनी नॉर्मल स्पीड में करते हैं, क्योंकि ढलान होने की वजह से ट्रेन की स्पीड काफी बढ़ जाती है कि जिस वजह से बार बार ब्रेक्स लगाकर ट्रेन को स्लो किया जाता है। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि 12 डॉन हजारा एक्सप्रेस पहुंच रही है बालढेर रेलवे स्टेशन पर। तो ऑफिशियली तो हजारा एक्सप्रेस का बालढेर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहां पर रुक रही है। तो दोस्तों तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बालढेर रेलवे स्टेशन से निकल रही है और जितनी देर में ट्रेन यहां से निकलती है उतने हम थोड़ी सी हजारा एक्सप्रेस के रूट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हजारा एक्सप्रेस हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली एक वाहिद ट्रेन भी है। साथ ही अगर हम इस ट्रेन के रूट की बात करें तो ये ट्रेन हवेलियां से चलने के बाद टैक्सिला, रावलपिंडी, लाला मूसा, मलकवाल, सरगोधा, शोरकोट, मुल्तान, रोहड़ी, हैदराबाद के रास्ते कराची तक जाती है और ये ट्रेन अपने पूरे जर्नी में 3 मुख्तलिफ स्टेशन पर लोकोमोटिव को चेंज करती है। यानी कि ये जो हवेलियां रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में लोकोमोटिव लगा हुआ है PHA 28318, ये ट्रेन को सिर्फ रावलपिंडी तक लेकर जाएगा और फिर रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक इस ट्रेन को एक अलग लोकोमोटिव लीड करेगा और फिर मुल्तान से लेकर कराची तक इस ट्रेन में कोई और सा लोकोमोटिव लगाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोकोमोटिव के साथ ट्रेन में कोचेस भी एड किए जाएंगे।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि 12 हजारा एक्सप्रेस पहुंच रही है सराय सालेह रेलवे स्टेशन पर। तो हजारा एक्सप्रेस का ऑफिशियली यहां पर भी स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहां पर 2 मिनट के लिए जरूर रुकी थी। इस वक्त टाइम हुआ है 2:45 और हमारी 12 हजारा एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच रही है हरिपुर हजारा रेलवे स्टेशन पर, जो कि हवेलिया से चलने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉप है। जी दोस्तों, तो हरिपुर रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन 2 मिनट से ज्यादा रुकी तो मैं समझ गया कि यहाँ पर हमारी ट्रेन को क्रॉस होने वाला है, क्योंकि ये हवेलिया से लेकर गोल्डा शरीफ तक सिंगल लाइन ट्रैक है और यहाँ पर एक ट्रेन को रोककर ही दूसरी ट्रेन को गुजारा जाता है। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पे कराची और हवेलिया के दरमियान चलने वाली 11 हजारा एक्सप्रेस आ रही है, जिस वजह से 12 हजारा एक्सप्रेस को यहाँ पर रोका गया है। तो चलें उसका अराइवल देखते हैं, जो कि हमारी ट्रेन को हरिपुर रेलवे स्टेशन पर क्रॉस करेगी। तो ये फाइनली आ गई है 11 हजारा एक्सप्रेस और आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है HBU 20, जबकि हमारी ट्रेन की लीड पर PHA लगा हुआ है। ट्रेन काफी स्लो है। HBU 20 8083 ट्रेन की लीड पर है आज। ये रहा मेरा कोच, फाइनली भाग के मैंने ट्रेन पकड़ी, लेकिन ट्रेन अब तक चली नहीं। तो 11 हजारा एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद तकरीबन 3:45 हमारी ट्रेन निकल रही है हरिपुर हजारा रेलवे स्टेशन से, यानी कि ठीक 15 मिनट रुकने के बाद। और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन पर।
तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 3:10 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन पर, जो कि हवेलिया से चलने के बाद इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप है। तो तकरीबन 2 रुकने के बाद हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी टैक्सिला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, के जहां पर हवेलिया टैक्सिला खुंजराब रेलवे खत्म हो जाएगी, और फिर टैक्सिला के बाद हमारी ट्रेन अपना सफर करेगी मेन लाइन 1 पर, यानी कि पिशावर कराची रेलवे लाइन।
दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन एक छोटे से खूबसूरत रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है जिसका नाम है उस्मान खत्तर रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन को इतना साफ सुथरा देखकर मुझे जितना अच्छा लगा शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगे। तो दोस्तों ये आपने सीन देखा कि एक रक्षा अनमैन लेवल क्रॉसिंग पर फंसा हुआ था और फिर वहाँ अचानक ही हमारी ट्रेन पहुँच गई और ये लेवल क्रॉसिंग काफी शार्प टर्निंग पर मौजूद थी जिस वजह से ट्रेन ड्राइवर ने जैसे ही देखा तो फौरन ही ब्रेक अप्लाई की। मगर यहाँ पर खुशकिस्मती कुछ ये हुई, पीछे दूसरे रक्षे वाले ने रक्षा निकलवाने में दूसरे भाई साहब की मदद की और ट्रेन के पहुँचने से पहले ही रक्षे को ट्रैक से हटा दिया। तो यहाँ पर जरा सी जल्दबाजी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। माना कि वक्त बहुत कीमती है मगर जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 3:45 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है टैक्सिला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ ही ये सामने से जो लेफ्ट साइड से आती हुई लाइन आप देख रहे हैं ये मेन लाइन 1 है जो कि पेशावर से आ रही है, जबकि जिस लाइन पर इस वक्त हमारी ट्रेन चल रही है ये मेन लाइन 5 है जो कि हवेलियां से आ रही है। और ये दोनों रेलवे लाइन टैक्सिला कैंट रेलवे स्टेशन पर आकर मिल जाती है कि जिस वजह से टैक्सिला को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो जब हमारी ट्रेन टैक्सिला रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी ठीक उसी वक्त कराची और पिशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस टैक्सिला रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। तो तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद यानी कि पूरे 4 बजे हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है टैक्सिला रेलवे स्टेशन से। और अब यहां से चलने के बाद 12 हजारा एक्सप्रेस अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी गुरुद्वारा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। Thank you.
दोस्तों अब बात कर लेते हैं टर्फ डाउन हजारा एक्सप्रेस के किराए की। तो आप लोग जानते हैं कि हजारा एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली टोटली इकोनॉमिक क्लास ट्रेन है। तो इसका हवेलिया से लेकर कराची तक किराया है सीट के साथ 1900 रुपए और बर्थ के साथ है 2000 रुपए। जबकि वीडियो के इस पार्ट में हम लोग हवेलिया से लेकर रावलपिंडी तक का सफर कर रहे हैं। तो हवेलिया से रावलपिंडी तक इस ट्रेन का सीट के साथ किराया है 200 रुपए और बर्थ के साथ है 250 रुपए। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 4:20 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है गोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये इस वक्त जो मेरे सामने आप रेलवे लाइन देख रहे हैं जो कि लेफ्ट साइड से आ रही है, ये रेलवे लाइन गोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलकर आगे जाकर मेन लाइन 2 से कनेक्ट हो जाती है। और रावलपिंडी मुल्तान के दरमियान चलने वाली मेहर एक्सप्रेस और रावलपिंडी कोहाट के दरमियान चलने वाली कोहाट एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन इसी लाइन पर चलती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचती हैं। और यही वजह है कि गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन रेलवे कहा जाता है।
तो दोस्तों गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये बेसिकली इस्लामाबाद में आता है और ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है कि जिसमें आप लोग इस वक्त मेरे सामने ही देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पुराने जमाने के स्टीम लोकोमोटिव और पुराने कोचेस खड़े हुए हैं जो कि काफी विंटेज लुक देते हैं। साथ ही स्टेशन की बिल्डिंग जो है ये भी नहायत ही खूबसूरत बनी हुई है और प्लेटफॉर्म जो है वो भी दरख्तों में घिरे हुए हैं और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही एक म्यूजियम भी मौजूद है। तो गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करना मेरी जिंदगी की चंद ख्वाहिशात में से एक है जहाँ पर रेल फैनिंग करके इस ख्वाहिश को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पूरा करूँगा और साथ ही आप लोगों को भी इस स्टेशन पर रेल फैनिंग की वीडियो दिखाऊंगा। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रायल डाउन हजारा एक्सप्रेस निकल रही है गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इस हसीन रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट गुजार कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही अब आप ये भी देख सकते हैं कि गोल्डरा शरीफ के बाद से अब रेलवे लाइन डबल हो चुकी है यानी कि जाने की अलग और आने की अलग। और ये डबल रेलवे लाइन जो गोल्डरा शरीफ के बाद शुरू होती है ये चकलाला रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हो जाती है और फिर आगे वही सिंगल लाइन चलती है शाहदरा तक, जबकि गोल्डरा शरीफ से पीछे यानी कि पेशावर तक भी ये सिंगल लाइन ही है। बस गोल्डरा शरीफ से लेकर नूर जंक्शन, रावलपिंडी और चकलाला यहाँ तक ये रेलवे लाइन डबल है।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 4:35 और हमारी 12 डॉन इस वक्त अप्रोच कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में। और ये सामने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन है जहाँ पर कुछ कोचेज नहाने के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये सामने जो आप HBU 28060 के साथ ब्लैक ट्रेन देख रहे हैं ये है रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 128 डाउन महर एक्सप्रेस जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो हमारी ट्रेन तो इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जा रही है, साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस वक्त खड़ी हुई है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हजारा एक्सप्रेस हवेलिया से रावलपिंडी तकरीबन 2:35 में पहुंची है। साथ ही अब ये भी बताता चलूं कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा और इस ट्रेन में कुछ कोचेज भी ऐड किए जाएंगे जो कि अब आप लोग इस जर्नी के पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस जर्नी के पार्ट 1 में बस इतना ही था। हवेलिया से लेकर टैक्सिला तक का सफर मुझे तो बहुत पसंद आया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस सफर को एंजॉय किया होगा। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।